नमस्कार दोस्तों, नीलम गार्डन टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो मैं प्लांट लाई हूँ दोस्तों, ये मेरा हिबिस्कस का है और ये येलो कलर का है। और इसकी फ्लावरिंग देखिए कि कितना सुंदर से हो रहा है और ये बहुत ही स्वस्थ है, हेल्दी है। तो इसे आपको अगर फूल कलियाँ आपको लेनी है, ज़्यादा इसमें ब्रांच बढ़ानी है, तो ये काम अभी ही कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच और फूल इसमें मिल सके। तो दोस्तों, इसको क्या करना होता है, अगर वीडियो पर आप नया हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जैसे देखिए, क्या हाँ आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ब्रांच कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अभी जैसे एक फूल पहले भी आया था दोस्तों, जैसे यहाँ पर देखिए क्या हाँ है, तो इसे मैं तोड़ दी हूँ, लेकिन इसको भी मैं तोड़ दूंगी क्योंकि एक दो फूल लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो पहले इसमें आप ग्रोथ बढ़ाइए। तो जैसे देखिए, तो बहुत अच्छा है, हेल्दी है, स्वस्थ है और बिल्कुल हरा भरा है। चारों तरफ से इसकी बहुत अच्छी कटिंग हुई है। तो दोस्तों, इसको करना क्या होता है कि देखिए, गुड़हल एक समर का प्लांट होता है, इसे समर में बहुत ज़्यादा इसे सबसे ज़्यादा अच्छी अच्छी फ्लावरिंग आती है और भर भर के आती है। तो जैसे मेरा पीछे देखिए कितना बड़ा बड़ा गुड़हल के प्लांट है, देखिए कितना ज़्यादा बड़ा बड़ा है। लेकिन इसमें मैं 5-6 कलर है, इसको मैं कलर अलग से ऐड करने के लिए, ग्राफ्टिंग करने के लिए इसको तैयार कर रही हूँ ताकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांच हो, प्रूनिंग जब मैं करूं तो इसे अच्छा तरह से ग्राफ्टिंग कर सकूं। तो दोस्तों, सबसे पहला बात होता है कि समर में क्या करनी होती है कि आपको सबसे पहले इसको सब पौधा में जितना भी आपको यहाँ वहाँ आपको खरपतवार है उसे आप हटा दें। हटाने के बाद अच्छी तरह से इसे गुड़ाई करनी पड़ती है और जो भी इसकी मिट्टी बनाए, आप मिट्टी बनाए, इसको एसिडिक सॉइल ज़रूर बनाए क्योंकि एसिडिक सॉइल अगर रहता है या वेल ड्राइन सॉइल रहता है तो इसे फ्लावरिंग आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करनी होती है कि आपको गमला को सबसे पहले इसे लगाए हैं, अगर नहीं लगाए हैं तो कटिंग अभी भी लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ ही विकास भी हो जाएगी। तो इसे क्या था, देखिए ये बहुत सुंदर प्लांट है, एवर ग्रीन प्लांट है। आपको इसे क्या करना होता है कि अगर नर्सरी से चूज करके ला रहे हैं तो आप हेल्दी प्लांट लाएं, और अगर कलम से लगाना है तो आप किसी भी इस तरह से देखिए कि ब्राउन यहाँ पर देखिए मैच्योरिंग प्लांट है, तो इसको आप ऐसे काट सकते हैं। ऐसे काटने के बाद आपको यहाँ से यहाँ तक 2 इंच छील कर आप इसको कटिंग को आप आराम से लगा सकते हैं। तो जैसे देखिए, इसको क्या करना होता है कि देख गुड़हल को एसिडिक अगर बना देंगे तो आपको सबसे पहले तो क्या करेगा कि जो भी आप इसमें न्यूट्रिशन डालेंगे, आपको तुरंत ही एक्शन होगा। अगर एसिडिक सॉइल नहीं रहेगा तो एक्शन नहीं करेगा, चाहे कितना भी आप खाद डालते रहें। तो इसको क्या करना होता है कि आप इसको बहुत अच्छा मिट्टी रेतीली मिलाइए, रेतीली बनाइए, और रेत मिलाने के बाद आप इसको जैसे देखिए कि मेरा कितना सुंदर यहाँ है, इस तरह से है कि मुट्ठी ऐसे बांधे तो मिट्टी आपको बंधा नहीं, इस तरह से आप इसको रखिए ताकि बहुत अच्छा इसमें ग्रोथ विकास हो सके। तो देखिए, इसको सबसे पहले क्या होता है कि आप इसको गुड़ाई करें, अच्छी तरह से इसे गुड़ाई करें, भरपूर गुड़ाई करें ताकि आपको अच्छा से इसमें न्यूट्रिशन नीचे तक जा सके। इसे गुड़ाई 1 महीना पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपका फ्लावर है तो इसे 1 महीना पर लगाना ज़रूरी, गुड़ाई करना ज़रूरी होता है। इससे होता है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशन अंदर जाएगा और न्यू हवा जाएगी, न्यू रूट बनेगी, तो आपको बहुत सुंदर इसमें फ्लावरिंग देगा। तो दोस्तों, जैसे देख रहे हैं कि हाँ मेरा भी प्लांट है, सब एवरग्रीन है और बहुत सुंदर है। तो इसे सबसे पहला बात है कि केयरिंग है कि इसको धूप में रखें। सबसे पहले धूप में इसे 5-6 घंटा की धूप दीजिए क्योंकि अगर इसे धूप नहीं देंगे तो ये विकास नहीं कर पाता है। ज़्यादा ठंडी होती है तो अपना ग्रोथ रुक देती है, लेकिन अगर ज़्यादा तपती हुई गर्मी है तो में भी ये फूल नहीं देगी। आप इसे ग्रीनेट के नीचे रखें या आपको साइड में कर दे, छज्जा के नीचे रखे या साइड में कर दे। अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ज़मीन में कैसे भी अपना एडजस्ट कर लेता है, लेकिन अगर गमला में रहता है तो इसमें सीमित मिट्टी होने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत आती है।
तो आप पॉट जैसे चूज कर सकते हैं, तो आप पॉट कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसमें धूप के बाद इसमें कोई खाद न्यूट्रिशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। न्यूट्रिशन के मतलब होता है कि आप जब देखें कि इस पौधा में मेरा न्यूट्रिशन की कमी हो गया है, जैसे पत्ती पीला हो गया, मुरझाने लगा या विकास नहीं हो रहा है, तो आप ये देख सकते हैं। नहीं तो आपको अगर ज़्यादा दिन का प्लांट है तो रूट बॉन्डिंग का भी चांस होता है, इसलिए उसको भी चेक करना ज़रूरी होता है। तो इसको ओवर वाटरिंग करते हैं तो इसका रूट डगमगाएगा और सड़ जाएगा। तो ऐसा भी नहीं हो दोस्तों, और बार बार न्यूट्रिशन भी नहीं देनी है, क्योंकि बार बार अगर न्यूट्रिशन देते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा खराबी करता है। तो इसे क्या करना होता है कि गुड़ाई करने के बाद इसमें सबसे पहला काम होता है कि आप इसे एसिडिक सॉइल बना। एसिडिक सॉइल जैसे ही बनेगा तो कोई भी न्यूट्रिशन आप देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ये एक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए मैं गुड़ाई कर दी हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इससे सूखी हुई चाय की पत्ती है, इसको मैं इसमें डालूँगी। इससे आपका प्लांट बिल्कुल एसिडिक होगा। आप इसे 15 दिन पर आप दो दो चम्मच दे सकते हैं। गुलाब हो, गुड़हल हो, इसे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसमें नाइट्रोजन होने के कारण बहुत ज़्यादा इसमें पोटाश भी रहता है, तो इसे अच्छा फ्लावरिंग भी होगा। तो आपको करने क्या है कि इस तरह से आप लेना है, और इस तरह से आपको देखिए, इस तरह से आपको दो चम्मच, अगर छोटा चम्मच है तो 4 चम्मच डाल दें, नहीं तो 2 चम्मच आप डाल दें, आप पॉट के अनुसार ही डालें। तो इस तरह से आपको डालना है। अगर इसके बाद आपको डालनी होती है कोई चीज़ तो आपका बहुत ज़्यादा एक्शन में ये आ जाएगा, और आप कोई भी न्यूट्रिशन इससे डाल सकते हैं। तो इस तरह से मिला दें। लेकिन आप लोग दूसरा सवाल देखिए कि यहाँ पर ग्रोथ, हमें अभी इस प्लांट पर ग्रोथ का ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें विकास में ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे क्या करना होता है कि इसको आपको क्या करना है कि जैसे देखिए कि यहाँ पर मैं जो ली हूँ ये DAP है दोस्तों। ये DAP पौधा को हरा भरा एवर ग्रीन करने में बहुत ज़्यादा मजबूती देता है, और ये बहुत ज़्यादा एक्शन में आता है कि पौधा को रूट बहुत ज़्यादा डेवलप करता है। तो अगर रूट डेवलप होगा तो इसका विकास ऊपर की तरह जाएगा। तो इसे इस तरह से आपको क्या करना है कि आप चाहे तो आप 10 दाना इस तरह से पानी में डालकर थोड़ा देरी के लिए इसे छोड़ दें, और नहीं चाहे तो आप इस तरह से भी आप डाल सकते हैं, और डालने के बाद ऊपर से भी आप पानी डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसको करनी है। और फिर क्या करना है कि इसमें गोबर की खाद देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या बर्मी कंपोस्ट, ताकि उससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा इसमें ग्रोथ विकास आएगा। तो 1 महीना पे इसे आप गोबर की खाद जरूर दें, और गोबर की खाद देने के बाद आप 2-2 चम्मच, आप चाहे तो एप्पल साइड बनेगर 1 चम्मच पानी में डाल के डालें, नहीं तो आप चाय तो सभी कोई पीता है, चाय को आप धोकर सुखा लें, और सुखाने के बाद इसमें आपको क्या करना है कि इसी तरह से आपको 2-2 चम्मच 2-2 चम्मच 2-2 15 दिन पर इसे देना ज़रूरी होता है। फिर देखिएगा कि इसमें कितना ज़्यादा फ्लावरिंग ग्रोथ आपका हो गया है। तो इस तरह से करनी है दोस्त। तो इसमें गोबर की खाद डालने के बाद इसमें क्या करना है दोस्तों, 1 महीना तक कोई खाद नहीं देनी है, बस चाय के सिवा आप कुछ भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा न्यूट्रिशन से भी पौधा ख़राब होता है। तो यहाँ जैसे देख रहे हैं कि यहाँ मैं इसमें जो DAP डाली थी दोस्तों, ये घुल गया है, और इसको इस तरह से आप चला दें, और चलाने के बाद आप इसको जैसे ही कलर देखिए कि मेरा अलग हो गया है, तो इसको आप पौधा में डाल दें। और क्या करना है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि DAP कैसा होता है, कैसा होता है, तो देखिए दोस्तों DAP ऐसा होता है, और इस तरह से दाना होता है, और ऐसा सीबिट भी होता है, लेकिन उसका थोड़ा सा अलग कलर होता है। तो इस तरह से DAP होता है, आपको हर एक दुकान में मिल जाएगा, खाद वाला दुकान पर आप ले सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पौधा में काम करता है, इससे बहुत अच्छा पौधा की ग्रोथ होती है। तो इसलिए मैं यहाँ मंगा कर रखती हूँ, और मेरा प्लांट तो आप लोग देखवे करते हैं कि कितना ज़्यादा मेरा प्लांट रहता है। तो इस तरह से करना है दोस्तों। करने के बाद आपको इसको पानी को आपको क्या करना होता है कि इस तरह से आप डाल दें, आप कोई भी खाद अगर देनी है आपको तो आप इसे शाम के वक्त दें या अर्लिंग मॉर्निंग में दें, नहीं तो आपको दोपहर में कभी भी इसे खाद ना पानी कुछ भी नहीं देना है।
और इसको गमला का सिस्टम ऐसा रखना चाहिए, ड्रेनिंग सिस्टम, कि पानी तुरंत ही अब्जॉर्ब कर ले। देखिए मैं अभी डाली हूँ और तुरंत ही मेरा ये सब पानी खींच लिया है। तो पानी ठहरना नहीं चाहिए गमला में, इस तरह से पानी आप ड्रेनिंग सिस्टम बनाए और बहुत अच्छा इसका सॉइल बनाए। तो इस तरह से देखिए कि यहाँ पानी छोड़ने लगा है दोस्तों, और इस तरह से पानी सभी निकल गया है। तो इसी तरह से पौधा को आप मिट्टी जब भी बनाए तो वेल ड्राइंग सॉइल बनाए, ताकि आपका पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ विकास कर सके। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।